नमस्कार। अपनी इस खास पेशकश में आज हम मान्यताओं की जमीनी हकीकत की पड़ताल करेंगे। क्या श्रीलंका में कोई रावण या विभीषण रहा होगा? अगर ऐसा था तो क्या आज भी उनकी कुछ निशानियां मौजूद होंगी? आज हम श्रीलंका में इसकी पड़ताल करेंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। लंका में कहा हुआ था विभीषण का राज्याभिषेक। क्या पौराणिक मान्यताओं के सबूत आज के युग में मौजूद है? इसी की पड़ताल करने न्यूज नेशन की टीम पहुंची श्रीलंका। हम श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हैं और मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसे सफर पर, एक ऐसी जगह पर जिसका भारत से खास नाता है। ये केलानिया है और माना जाता है कि रावण के वध के बाद विभीषण का राज्याभिषेक इसी जगह पर हुआ था। हम श्रीलंका के केलानिया में हैं। राजधानी कोलंबो के बाहरी इलाके में है केलानिया। इस जगह का नाम पास में ही बहने वाली केलानी नदी के नाम पर पड़ा है। नदी को केलोनिया नदी कहा जाता है और इसके पास ही विभीषण का जो मंदिर है वो बनाया गया है। ये केलोनिया नदी है। श्रीलंका में इस नदी का अपना एक महत्व, एक धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि ये वही जगह है जहां लक्ष्मण ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। यहां भव्य मंदिर बनाया गया है। आपको लेकर चलेंगे उस जगह पर जहां पर लक्ष्मण ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो रास्ता जो उस जगह तक हमको लेकर जाएगा। और इस जगह पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फ्लावर्स, फूलों की काफी सारी दुकानें और कुछ खास तरीके के फूल यहां पर आपको नजर आएंगे जो अमूमन भारत में नहीं मिलते हैं, लेकिन ये वो फूल हैं जो कि उस जगह पर चढ़ाए जाते हैं, लोग उस जगह पर ले जाते हैं जहां पे कि लक्ष्मण ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। श्रीलंका में लोगों के लिए ये जगह आस्था का बड़ा केंद्र है। लोगों को भरोसा है कि जो भी यहां आएगा उसकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। विभीषण के राज्याभिषेक वाली जगह पर जाने के लिए लोग कुछ खास सामान भी अपने साथ ले जाते हैं और आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर के कुछ कपड़े हैं जो कि वहां पे चढ़ाए जाएंगे। ये ब्लू कलर का आप देख सकते हैं। इस मंदिर में सिर्फ एक समुदाय की आस्था नहीं है। बौद्ध बहुल देश श्रीलंका में ये मंदिर हिंदुओं के साथ साथ बौद्धों के लिए भी काफी अहमियत रखता है। हिंदुओं के साथ दूसरे संप्रदायों के लोग भी यहाँ पहुंचते हैं। हम उस जगह के प्रांगण में हैं जहां पर कि रावण की मौत के बाद लक्ष्मण ने श्रीलंका की जो गद्दी थी वो विभीषण को सौंपी थी और आप देख सकते हैं इन मूर्तियों में भी ये बात यहां पे साबित होती है, जो दर्शाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं इन मूर्तियों में विभीषण को बीच में दिखाया गया है और उनके दूसरी तरफ आप देख सकते हैं लक्ष्मण हैं जो कि उनको राज्याभिषेक उनका कर रहे हैं। लक्ष्मण की जो मूर्ति है उसमें उनका धनुष भी दिखाया गया है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं विभीषण वहां पर बैठे हुए हैं, उनका राज्याभिषेक किया जा रहा है। भवन के अंदर का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं कि यहां पर वो स्थल है, वो जगह है जहां पर कि रावण की मौत के बाद, रावण के वध के बाद जो उनके भाई थे विभीषण, उनका राज्याभिषेक यहां पर किया गया था। और ये जगह आप देख सकते हैं सारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट धर्म को मानते हों या हिंदू धर्म को मानते हों या किसी और धर्म को मानते हो, यहाँ पे जरूर आते हैं। और खासकर ये वो जगह है, इस जगह पे, इस स्थल को वो बताया जाता है जहाँ पे कि आप देख सकते हैं तस्वीरें भी यहाँ पे बनाई गई हैं। विभीषण की तस्वीर यहाँ पर है और साथ ही साथ विष्णु भगवान की तस्वीर भी यहाँ पर नज़र आ रही है। श्रीलंका से, भारत से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और आप देख सकते हैं कि जो भक्त यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। ये जो जगह है बहुत खास है, जो श्रीलंकन लोग हैं, श्रीलंकाई जो लोग हैं उनके जीवन में बहुत महत्व है इस जगह का, क्योंकि विभीषण को यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की तो वो विभीषण को भी भगवान ही मानते हैं और वो मानते हैं कि विभीषण ने श्री राम की मदद की थी जिसके बाद रावण जैसे दानव का वध किया जा सका। तो धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक यही वो जगह थी जहां पर कि विभीषण का राज्याभिषेक किया गया था। आप इस जगह को देख सकते हैं और इस जगह को काफ़ी पवित्र माना जाता है। श्रीलंका की अगर बात की जाए, यही वो जगह थी जहां पर कि विभीषण को बिठाया गया था। उसके बाद लक्ष्मण ने उनका राज्याभिषेक की जो रीति रिवाज थे, जो परंपरा थी, उसको पूरा किया था। विभीषण की आप यहाँ पर तस्वीर भी देख सकते हैं, इस तरीके से उनको दर्शाया गया है। अगर श्रीलंका की बात की जाए तो इस तरह आप देख सकते हैं भगवान विष्णु की भी यहां पे तस्वीर लगाई गई है। तो श्रीलंका में जितने भी जो अनुयायी हैं, जो कि विभीषण को यहां पे भगवान मानते हैं, वो यहां पर आते हैं। रामायण में भी इस बात का उल्लेख किया गया है क्योंकि लक्ष्मण ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था और यहां पर जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, वो लगातार आते रहते हैं। तो यही वो जगह है जहां पर कि लक्ष्मण ने विभीषण को गद्दी सौंपी थी लंका की और उसके बाद फिर विभीषण जो थे वो लंका के राजा बन गए थे। श्रीलंका में रावण और रामायण सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है
पर इस अनमोल धरोहर को श्रीलंका वासी सहेज कर रखे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज नेशन, कोलंबो। रामायण में जिक्र है कि रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा था, तो क्या आज भी अशोक वाटिका होगी? हमने इसकी भी पड़ताल की। न्यूज नेशन ने अशोक वाटिका की तलाश में श्रीलंका के उस इलाके का रुख किया जो चारों ओर से हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हमारा सफर शुरू हुआ कोलंबो से। हमारी मंजिल थी नौरेलिया, जो श्रीलंका के सेंट्रल प्रोविंस का ही एक हिल स्टेशन है, जिससे कुछ ही आगे जाने पर अशोक वाटिका मिलती है। पहाड़ी रास्ते उस जगह तक ले जाते हैं जहां दावा किया जाता है कि रामायण काल की यादें बसी हैं। वो जगह जो हिंदुस्तान की कल्पनाओं में बसी है। हम मौजूद हैं श्रीलंका में कोलंबो से लगभग 225 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हिल स्टेशन टी स्टेट नौरेलिया में। नौरेलिया यूं तो श्रीलंका के लिए एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन जब से श्री रामायण रिसर्च कमेटी ने इस स्थान पर रामायण काल से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण स्थानों को खोज निकाला है, तब से हिंदुस्तानियों के लिए ये आस्था का केंद्र बन चुका है। आइए आपको लिए चलते हैं यहाँ पर मौजूद नौरेलिया में मौजूद सीता इलिया यानी अशोक वाटिका के सफर पर। माना जाता है कि अशोक के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने से अच्छा फल मिलता है, इसीलिए अशोक के पेड़ का पौराणिक महत्व काफी ज्यादा है। श्रीलंका की सरकार ने इस जगह को सीता इलिया नाम दे दिया है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। कहते हैं सीता हरण के बाद रावण ने माँ सीता को अपने महल में पूरी शानो शौकत के साथ रखने की कोशिश की, लेकिन सीता माता ने इससे इनकार कर दिया। वो अपनी हट से बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुई। उसके बाद हार कर रावण ने उनके रहने के लिए ये बेहद खूबसूरत इलाका जो है वो चिन्हित किया। यहाँ पर बीचों बीच एक नदी बहा करती थी और चारों तरफ जो आप यहाँ पर देख रहे हैं पहाड़ों पर अशोका के पेड़ हुआ करते थे। यहाँ पर अब दूसरे पेड़ जो है वो उगाए हैं, दूसरे किस्म के पेड़ पौधे हैं, लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि यहाँ पर पहले अशोका के बड़े बड़े वृक्षों से ये पूरी पहाड़ियां जो है चारों तरफ वो घिरी रहा करती थी, इसीलिए इस जगह का नाम जो है वो अशोक वाटिका रखा गया। और ये जो नदी आप देख रहे हैं, जो बीचों बीच नदी बह रही है, इसे आज सीता रिवर के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दूं कि इसके पानी का लोग आचमन करते हैं और इसे बेहद जो है वो शुद्ध जो है वो मानते हैं, उनके लिए नदी बेहद पूजनीय हो गई है। संदेश लेकर माँ सीता का हालचाल जानने के लिए पवन पुत्र हनुमान भी अशोक वाटिका आए थे। इसका जिक्र जो है रामायण में, लंका पुराण में वर्णित है और उसके निशान भी शोधकर्ताओं ने यहाँ पर ढूंढ लिए हैं। यहाँ पर आपको ये जो पीले रंग से ये जो पूरा मार्क हुआ हुआ है आप ये देख सकते हैं, इन निशानों को कहा जाता है ये विशालकाय पवन पुत्र हनुमान के ही निशान हैं। और यहाँ पर ऐसे निशान दूसरी जगह भी आपको मिलेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि आपको दिखाएं कि यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे जो निशान हैं जो वक्त के साथ अब खत्म हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इस जगह पर जो है किसी का ध्यान नहीं गया। बहुत वक्त के बाद जो है शोधकर्ताओं ने स्थान को ढूंढ कर निकाला था, तो वक्त के साथ कुछ निशानियां जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। भक्तगण आते हैं और इन निशानों पर भी माथा टेक कर यहां से जाते हैं अशोक वाटिका के अंदर। हनुमान के पैरों का रहस्य क्या है और कैसे इतने साल बीतने के बाद भी श्रीलंका की जमीन पर विशालकाय दिखने वाले ये निशान आज भी जस के तस मौजूद हैं, इसका राज कोई नहीं जानता, लेकिन रामायण काल से जुड़ी कथा में लोगों की आस्था आज भी दिख जाती है। श्रीलंका से पिनास त्यागी के साथ टीम न्यूज नेशन। श्रीलंका में जहाँ विभीषण का मंदिर है उसके बाद ही बौद्ध धर्म के मंदिर है। माना जाता है कि जिस जगह विभीषण का राज्याभिषेक हुआ था वहाँ कभी महात्मा बुद्ध भी गए थे। एक मंदिर, दो मत, बौद्ध और हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए आस्था का केंद्र, श्रीलंका की साझी संस्कृति का प्रतीक। कोलंबो के पास किलानिया में ये मंदिर पूरे श्रीलंका में लोगों की आस्था का केंद्र है। अगर मान्यता ये है कि विभीषण का यहाँ राज्याभिषेक हुआ था, तो ये भी मान्यता है कि गौतम बुद्ध यहीं आकर ठहरे थे। केलानिया बुद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए खास जगह है और आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ इस जगह की क्या धार्मिक मान्यता है। ये जगह है जिसके बारे में बताते हैं कि गौतम बुद्ध यहाँ पर आए थे और उन्होंने काफ़ी समय यहाँ पर बिताया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर गौतम बुद्ध की एक मूर्ति भी लगाई गई है जिसमें गौतम बुद्ध ध्यान लगाने की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे पेड़ भी है और माना जा रहा है कि वही सीन क्रिएट किया गया है, उसी तरीके का एक दृश्य बनाया गया है जहाँ पर माना जाता है कि गौतम बुद्ध को
ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि बोध गया की मैं बात कर रहा हूँ, वैसा ही यहाँ पर भी दृश्य बनाने की कोशिश की गई है कोलंबो में। तो आप देख सकते हैं ये वो जगह है कैलोनिया जहाँ पर कि गौतम बुद्ध आए थे और उनको बहुत यहाँ पर काफी उन्होंने वक्त गुजारा था, उनको बहुत अच्छी ये जगह लगी थी। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध 3 बार श्रीलंका गए थे। जब 3री बार श्रीलंका गए थे तो वो कैलोनिया में ही ठहरे थे। लंकाई लोगों के लिए ये जगह बेहद खास है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे विभीषण का मंदिर है और लोग यहाँ पर आते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने लिए मन्नत मांगते हैं और उनकी लोगों की ये मान्यता है कि उनकी मन्नत पूरी भी हो जाती है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर स्तूप भी बना हुआ है, क्योंकि गौतम बुद्ध से भी इस जगह का संबंध है। गौतम बुद्ध यहाँ पर आए थे, काफ़ी उन्होंने वक्त गुजारा था, ध्यान भी लगाया था। तो ये स्तूप है और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग प्रार्थना भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, फूल भी लोगों ने चढ़ाए हुए हैं। काफ़ी बड़ा स्तूप है और काफ़ी प्रसिद्ध जगह है ये कोलंबो की, जहां पर लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं। बुद्ध धर्म के लोग हैं वो विभीषण के मंदिर में भी जाते हैं और ये जो स्तूप बनाया हुआ है यहां पे इसमें भी जाते हैं। दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो प्लेस है जिस जहां पर कि धार्मिक काफ़ी यहां पे प्रसिद्धि है इस जगह की, ये मंदिर भी है यहां पे गौतम बुद्ध का। और जितने भी, क्योंकि श्रीलंका में ज़्यादातर लोग जो है वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वो इस जगह पर आते हैं। ये गौतम बुद्ध का मंदिर भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मान्यता है कि गौतम बुद्ध यहाँ पर उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा था और ये जगह जो थी ये काफ़ी उनको पसंद भी आई थी, तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी वक्त तक ध्यान लगाया था। तो ये दिखा रहे हैं हम आपको, ये मंदिर गौतम बुद्ध का मंदिर है। अंदर जाने की हालांकि इसमें परमिशन नहीं है, लेकिन गौतम बुद्ध का मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे कि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है वो अंदर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। और उनका मानना है कि जो गौतम बुद्ध हैं वो शांति का पाठ पढ़ाते हैं और यही जो श्रीलंका के लोग हैं वो यही कहना चाहते हैं कि वो पूरी दुनिया को शांति का संदेश देना चाहते हैं। बौद्ध ग्रंथ महावंश में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध इस जगह पर नागों के 2 गुटों के बीच झगड़े को सुलझाने आए थे। यहां बने मंदिरों पर सुंदर मूर्तियां उकेरी गई हैं। इसी जगह पर जहां एक तरफ बुराइयों के अंत के बाद अच्छाई का साथ देने वाले राज्याभिषेक का जिक्र मिलता है, तो दूसरी तरफ रामायण के कई 100 साल बाद दुनिया को शांति की राह दिखाने वाले भगवान बुद्ध यहां पहुंचे थे। सदियों से इस इलाके की मान्यता एक अहम धर्म स्थल के रूप में है। बौद्ध और हिंदू धर्म को मानने वाले युगों युगों से यहां मत्था टेकते रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज नेशन, कोलंबो।